हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी शेजवान राइस। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए फटाफट से हम शेजवान राइस बना लेते हैं। शेजवान राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी बासमती चावल। आप चाहें तो ग्लास से या कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम इसको 2 से 3 पानी में धो लेंगे। धोने के लिए मैंने लिया है 1 बाउल। इसमें डाल दूंगी अपने बासमती चावल। अब हम पानी डाल के इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। चावल को हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है, पानी हमने फेंका नहीं है, हम उसको पौधों में डालने के काम में ले लेंगे। अब हम फटाफट से एक बड़ा भगोना चढ़ाएंगे। हमने यहाँ पे एक बड़ा भगोना चढ़ा दिया है गैस पे। इसको हमने पानी से भर दिया है, लगभग 1 से 1.25 लीटर के आसपास हमने इसमें पानी डाला है। अब हम डाल देंगे 2 लौंग और लगभग 1 इंच के आसपास दालचीनी। साथ ही हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच नमक। इससे क्या होता है, जो हमारा चावल है वो खुला खुला बनता है। और थोड़ा सा नींबू का रस, ये लगभग 1/2 चम्मच के आसपास मैंने नींबू का रस भी डाल दिया है। इससे जो हमारा चावल है वो चिपकता नहीं है। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम अपने भीगे हुए चावलों को डाल देंगे। चावल को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, लगभग 80% के आसपास हमें चावल को पका लेना है। चावलों में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है और देखिए, हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, जो हमारे चावल है उसका साइज लंबा हो गया है, पर अभी ये 50% के आसपास पका है, हमें 80% के आसपास पकाना है। चावल हमारा पक चुका है और देखिए, चावल का जो दाना है वो काफी लंबा भी हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा चावल है वो लगभग 80% के आसपास पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फटाफट से किसी बर्तन में इनको ठंडा कर देंगे। हमने यहाँ पे एक बर्तन में छलनी लगा ली है। अब हम धीरे धीरे करके सारा पानी इसमें निकाल देंगे। देखिए, हमने चावल को छलनी में निकाल दिया है और अभी ये बहुत तेज गर्म है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी थाली लेंगे जिसमें चावल को फैला देंगे। ये स्टेप हमें फटाफट से करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा चावल है ये बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होगा, यानी कि जब हम शेजवान राइस तैयार करेंगे उस समय जो हमारा चावल है टूटेगा नहीं। शेजवान राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है अपनी पसंद की सब्जियां। इसमें मैंने ली है 2 कलर कैप्सिकम, रेड और येलो, बीन्स लिए हैं और पत्ता गोभी ली है, 1 बड़े साइज का हमने प्याज लिया है, 1 मीडियम साइज की हमने हरी मिर्च कट करके रखी है। एक चीज का आप विशेष ध्यान रखें, सब्जियां आप अपनी पसंद की भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पीनट। इसको डालने से बहुत अच्छा क्रंची फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स, आइए शेजवान राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच घी। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई। सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज। हरी मिर्च, पत्ता गोभी, बीन्स, येलो कैप्सिकम एंड रेड कैप्सिकम। साथ ही डाल देंगे पीनट और सभी चीजों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक बहुत ज्यादा नहीं डालें क्योंकि हमने चावल में भी डाला था। साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे शेजवान चटनी, ये हम 2 चम्मच के आसपास डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें सब्जियों को 2 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जियां भी थोड़ी सी पक चुकी हैं। अब हम चावल डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो 1 चम्मच इसमें शेजवान चटनी और ऐड कर लीजिए, उससे इसका टेस्ट एकदम बढ़िया हो जाएगा। और ये लीजिए, हमारे शेजवान राइस बिल्कुल रेडी हैं। आइए सर्व कर देते हैं। शेजवान राइस हमने सर्व भी कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।